नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक प्रसिद्ध शायर की दो लाइनें हैं कि यूं ही हमेशा खिलाएं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई है ना अपनी जीत नई। जी हां, आईआईटी बीएचयू की बीटेक छात्रा के साथ गन पॉइंट पर गैंग रेप करने वाले तीनों अभियुक्त भले ही गिरफ्तार कर लिए गए हों, लेकिन पुलिस प्रशासन और खबरिया चैनलों की चुप्पी बनारस के लोगों को विचलित कर रही है। इस मामले में कई अहम सवाल अभी उलझे हुए हैं और पुलिस उन्हें हल करने की तनिक भी कोशिश करती नहीं दिख रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मामूली वारदातों में आरोपियों का एनकाउंटर करने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए कुख्यात यूपी पुलिस ने कोर्ट से तीनों अभियुक्तों का रिमांड तक क्यों नहीं मांगा। ये स्थिति तब है जब पीड़िता का मोबाइल और वो असलहा अभी तक बरामद नहीं हो सका है, जिसे दिखाकर अभियुक्तों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। बनारस की कमिश्नरेट पुलिस ने आईआईटी बीएचयू में बीटेक द्वितीय वर्ष की छात्रा से गैंगरेप करने के इल्जाम में सुंदरपुर स्थित ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी का कुणाल पांडे, बजलडीहा के जीवधीपुर का आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और इसी मोहल्ले के सक्षम पटेल को गिरफ्तार किया है। तीनों अभियुक्त बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी रहे हैं। कुणाल पांडे भाजपा की महानगर इकाई में आईटी विभाग का संयोजक है और सक्षम पटेल सहसंयोजक था। आनंद दोनों का हमराही था। फिलहाल तीनों जेल में हैं। मामला सत्तारूढ़ दल से जुड़े होने की वजह से पुलिस के आला अफसर इस मामले में खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कई तल्ख सवाल पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में कुछ जरूरी सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। बनारस में सवाल हर आदमी पूछ रहा है कि पुलिस ने 60 दिन बाद इस घटना का पर्दाफाश क्यों किया। किसके निर्देश पर तीनों अभियुक्तों को चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया। पीड़िता जब लंका थाने में गई तब तत्काल उसका मेडिकल मुआयना क्यों नहीं कराया गया। एक हफ्ते बाद पुलिस को मेडिकल कराने की चिंता क्यों हुई। घटना के बाद तीसरे दिन ही पुलिस ने सक्षम पटेल और उसके तीनों साथियों को हिरासत में ले लिया था। उन्हें छुड़ाने के लिए भाजपा के कौन नेता और विधायक एसीपी प्रवीण सिंह के दफ्तर पहुंचे थे। उस समय जिन नेताओं ने आरोपियों को छुड़वाने के लिए फोन किए, पुलिस ने उनकी सीडीआर रिपोर्ट और गूगल मैप लोकेशन अभी तक क्यों नहीं निकलवाई। अभियुक्तों को छोड़ने से पहले पुलिस ने उनकी छात्रा से शिनाख्त क्यों नहीं कराई। इसके साथ कुछ ऐसे सवाल भी हैं, आखिर कौन देगा इन सवालों का जवाब। बनारस की कमिश्नरेट पुलिस ने अपने रोजनामचे में 30 दिसंबर 2023 को अभियुक्तों की गिरफ्तारी दिखाई है। पुलिस ने अभी तक अभियुक्तों का रिमांड क्यों नहीं मांगा, जबकि पुलिस अभी तक पीड़िता का मोबाइल फोन बरामद नहीं कर पाई। जिस हथियार से भय दिखाकर छात्रा के कपड़े उतरवाए गए और रेप किया गया, वो असलहा कहाँ है। बीजेपी से जुड़े तीनों अभियुक्तों का मोबाइल पुलिस कस्टडी में है, तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट का संचालन कौन कर रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद कुणाल पांडे और सक्षम पटेल का एक्स हैंडल अकाउंट किसने और क्यों डिलीट किया। अभियुक्तों के फेसबुक अकाउंट से नियुक्ति पत्र क्यों डिलीट किया गया, जिसे गिरफ्तारी के 5 दिन पहले अपलोड किया गया था। अभियुक्तों के जेल में बंद होने के बाद भी उनका सोशल मीडिया रिकॉर्ड कौन खंगाल रहा है। किसके निर्देश पर अभियुक्तों के घरों पर लगी उनके नाम और पद की पट्टिकाएं हटवाई गईं। बनारस की कमिश्नरेट पुलिस के माथे पर कई और गंभीर आरोप हैं, जिसका जवाब इस शहर की जनता और बीएचयू के स्टूडेंट चाहते हैं। 1 नवंबर 2023 को गैंगरेप की वारदात के बाद मीडिया ने कई घटनाओं को जोड़ते हुए बताया था कि घटनास्थल के आसपास पहले भी कई संगीन वारदातें हो चुकी हैं। अगर कमिश्नरेट पुलिस अभियुक्तों को रिमांड पर तो वो सभी वारदातें खुल सकती थी जिनका राज अभी दफन है। लंका थाना पुलिस इस मामले में तनी भी दिलचस्पी लेती नहीं दिख रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले तीनों आरोपी हर शाम बीएचयू कैंपस में लड़कियां खोजा करते थे। आनंद रूप अभिषेक पर 29 जून 2022 को भेलीपुर थाने में छेड़खानी, मारपीट और बलवा का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में आनंद के परिवार के 7 सदस्यों को पुलिस ने नामजद किया था। शराब पीकर उपद्रव करना और धमकाना उसकी आदतों में शुमार था। पुलिस अफसरों की आखिर वो कौन सी कमजोर नस दबी हुई है जो अभियुक्तों को रिमांड पर लेने से बचा रही है। दैनिक हिंदुस्तान की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गैंगरेप में पकड़े गए तीनों आरोपित हर रात शराब पीने के बाद बुलेट मोटरसाइकिल से शिकार की तलाश में निकलते थे। बीजेपी के पदाधिकारी होने के कारण तीनों को पुलिस अथवा किसी और का डर नहीं था। गैंगरेप की वारदात के ठीक एक दिन पहले तीनों ने बीएचयू कैंपस में ही एक छात्रा को अकेले पाकर उसके साथ गंदी हरकतें की थी। छात्रा
पीड़िता ने इसकी शिकायत प्रैटोरियल बोर्ड से की थी, लेकिन मामला दबा दिया गया और पुलिस तक नहीं पहुंचा था। यही नहीं, तीनों ने जिस रात गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया उससे पहले वो नगर निगम के पास स्थित शहीद उद्यान भी पहुंचे थे। इस उद्यान में अक्सर शाम को प्रेमी प्रेमिका अकेले मिलने के लिए बैठा करते हैं। इस पार्क में भी अभूत लड़कियों को शिकार बनाया करते थे। अखबार ये भी लिखता है कि भाजपा से जुड़े होने के कारण आरोपियों को लगता था कि वो बच निकलेंगे, इसी वजह से तीनों को हौसले बुलंद थे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि छात्रा से ऐसी हरकतें करने के बाद मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पीएचयू कैंपस में आंदोलन शुरू हुआ तो तीनों डर गए। इसके बाद भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश चले गए। मतदान के बाद तीनों लौट आए, तब तक मामला कोर्ट पहुंच गया और पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। बीएचयू के छात्रों का एक गुट भी लगातार आंदोलन में लगा रहा। इसके चलते पुलिस को तीनों को शिकंजे में लेना पड़ा। ये बात भी साफ हो चुकी है कि अभियुक्त पहले बीजेपी के दफ्तरों में बैठकर काम करते थे, उनके कनेक्शन कई सत्तारूढ़ दल के नेताओं और मंत्रियों से थे। कई ऐसी जानकारियां भी मिली हैं जिससे पता चलता है कि तीनों अभियुक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कबीना मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बहुत करीबी थे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कुणाल पांडे के घर उसे आशीर्वाद देने गए थे। उनके कुशाग्र कुणाल की तस्वीरें भी हैं। इनके साथ बीजेपी के कर्ण विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी थे। कुछ दिनों पहले स्वतंत्र देव सिंह के घर एक वैवाहिक कार्यक्रम था जिसमें अभियुक्त सक्षम पटेल बीजेपी के कद्दावर नेता के साथ वहां पहुंचा था। ये बीजेपी के वह पदाधिकारी हैं जो दावा करते फिर रहे हैं कि सक्षम पटेल को उन्होंने 2 महीने पहले ही हटा दिया था, तब से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। सूत्र बताते हैं कि अभियुक्तों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें बाइज्जत छुड़वा लिया जाएगा, लेकिन वो अपनी जुबान बंद रखें। कोई ऐसा राज नहीं उगले जिससे पार्टी के दिग्गज नेता फंस जाएं और उनकी छीछा लेदर होने लगे। सोमवार को भाजपा के पदाधिकारी जो पहले कांग्रेसी थे और जिन्होंने मोदी सर के पहले दौरे के बाद लंका स्थित मालवीय जी की प्रतिमा को गंगा जल से धोया था, अपने साथ सतीश पटेल नामक व्यक्ति को लेकर जिला जेल तक पहुंचे। वह खुद अपनी कार में बैठे रहे। खबर है कि सतीश नामक व्यक्ति को बिना किसी लिखा पढ़ी के जेल के अंदर एंट्री दी गई। हालांकि स्वतंत्र तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इसके साथ सीसीटीवी फुटेज से निकाले जा सकते हैं। जांच पड़ताल के बीच यह भी जानकारी मिली है कि अब जाकर समूचे घटनाक्रम को प्रधानमंत्री मोदी सर ने बेहद गंभीरता से लिया है। क्यों ना ले, अब जब फंस गए हैं तो पीपीआती क्यों। उनके कार्यालय के एक आला अफसर मंगलवार को बनारस आए और बीजेपी के कई पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ गुप्त बैठक की। गुप्तचर एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि यह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा एक ओर राम मंदिर के जिस एजेंडे को लेकर आ रही है, दूसरी ओर यह मामला उसके खेल को बिगाड़ सकता है। तो कुल मिला के मामला ये है कि मोदी सर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला बंधन योजना उनकी है, राम जी 22 तारीख को आ रहे हैं, सीता जी का पता नहीं है, लेकिन यहाँ उनके बनारस के संसदीय क्षेत्र में आईटी सेल के 3 धुरंधर जो हैं, जो मोदी की 3 गारंटी हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं। तो जब सैयाब है कोतवाल तो डर काहे का। धन्यवाद।